उनके गुणों के गान में हर हमान महान बिचरे हम समय सारण शीलन पेज नंबर 102 निकालो। पेज नंबर 103 पर जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ है जो उन्होंने 178 कलश के संदर्भ में लिखा है। जब परद्रव्य की और अपने भाव की निमित्त नैमित्तिकता जानकर समस्त परद्रव्यों को भिन्न करने में त्याग करने में आते हैं तब समस्त रागादि भावों की संतति कट जाती है और तब आत्मा अपना ही अनुभव करता हुआ कर्म बंधन को काट कर अपने में ही प्रकाशित होता है। इसलिए जो अपना हित चाहते हैं वे ऐसा ही करें। वो कहते हैं निमित्त नैमित्तिक भाव समझाया यहाँ पर इतना बल दे करके, उसका उद्देश्य यही है कि भगवान आत्मा इनका करता है और हमारा इनके साथ कोई संबंध नहीं है। जब श्रद्धा के लेवल पर ये बात आती है तो धीरे धीरे व्यवहार के लेवल पर भी वो कटने लगते हैं। और धीरे धीरे क्या, अनंतानबंदी संबंधी राग अर्थात संबंधी राग तो संबंधसन होते ही निकल जाता है ना, माने श्रद्धा के निर्मल होते ही इतनी शुद्धि तो हो ही जाती है प्रकट, और बाकी की जो अशुद्धि रहती है वो तो धीरे धीरे जाने वाली है। और ये तो पहले ही कह दिया है समय सार में कि हाँ जो सारी बात हो रही है वो श्रद्धा की दृष्टि से हो रही है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व के कारण ही अनंत संसार है और मिथ्यात्व अनंतानबंदी कसार के जाने से अनंत संसार का अंत आ जाता है। अंत आ जाता है माने वो अनंत नहीं रहता है, संसार भी शांत हो जाता है, उसकी गिनती हो जाती है कि अब इतने काल में ये जीव अवश्य मोक्ष चला जाएगा। अब इस कलश का भाव स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। मूल पाठ में तन्मूला शब्द का शब्दार्थ दोष का मूल कारण परद्रव्य है ऐसा लिखा है। अब मूल पाठ में ऐसा लिखा है तो हिंदी में तो ऐसा लिखा नहीं होगा। ये जो कलश है ना, देखो इसमें दूसरी पंक्ति है तन मूलाम, और पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में जो भी टीका उस वक्त उपलब्ध होगी जब वो इस पर व्याख्यान कर रहे होंगे उसमें इसका अर्थ लिखा होगा के दोष का मूल कारण परद्रव्य है। वो गुरुदेव को नहीं जता, वो बहुत ही महान पुरुष थे तो वो ऐसा तो कह ही नहीं सकते थे कि ये अर्थ गलत है, ये उनकी स्टाइल ही नहीं थी। और हम लोगों को भी ये बात बहुत गहराई से समझना चाहिए क्योंकि जिन महापुरुषों ने वो लिखा है एकदम उनके प्रति ऐसे शब्द निकालना वो समझदारी का काम नहीं है। धवल वगैरह में एक प्रश्न आता है कि उन्होंने लिखा कि किसी विशेष की बात है, उनकी संख्या कितनी है, तो उसके उत्तर में दिया त्रिगुणा सप्तगुणा वाह। होमर सार में भी आदि नहीं कहा था शायद, या तो त्रिगुणी है या सप्तगुणी है। तो शिष्य ने कहा ये क्या बात कर रहे हैं आप, संख्या के मामले में तो एक का भी बहुत महत्व तो है, 99 का 100 नहीं कह सकते और 100 का 99 नहीं कह सकते, और आप त्रिगुणी त्रिगुणी है या सप्तगुणी है ये क्या कह रहे हैं।
तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या करें, शास्त्रों में एक आचार्य कहते हैं कि त्रिगुणी है और दूसरे आचार्य कहते हैं सप्तगुणी है। तो हमने दोनों ही का उल्लेख करके दे दिया यहाँ, और लिख दिया त्रिगुणा सप्तगुणा वा। तो भी उन्होंने कहा भाई, तो भी कोई भी कहे, आचार्य कहे, कोई भी कहे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा फर्क है। तो उन्होंने कहा कि जो उपलब्ध होता है हम तो उसे गिन नहीं सकते, केवल ही भगवान के ज्ञान में जो आया होगा, उनकी दिव्य ध्वनि की परंपरा में जो बात आई, अब वो कहाँ ये बात चूक हो गई कि एक को वो त्रिगुणी समझ में आई और दूसरे को सप्तगुणी समझ में आई। हो सकता है कि वो लेखक होते थे ना, लिखने वाले, लेखक माने शास्त्र लिखने वाले नहीं, उसी लिपिकार। पहले सब शास्त्र हाथ से ही लिखे जाते थे ना, तो वो लिपिकार जो लिखता था ना उसको लेखक कहते थे, और वो तो रचनाकार था, है ना। तो उसकी गलती से भी कहीं ऐसा कुछ हो सकता है कि वो त्रिगुणे की जगह सप्तगुणा पढ़ने में आ गया हो, है ना। हम रोजाना ऐसा होते देखते हैं, प्रूफ रीडिंग हमारे पास आती है और रोजाना ऐसा देखते हैं कि वो खासकर वो आ का मामले में हम लिखते हैं अप्रत्यक्ष, वो उसका आ काट के प्रत्यक्ष कर देता है। उसकी समझ में ही नहीं आती कि अप्रत्यक्ष कैसे हो सकता है। आज ही मैंने दो तीन जगह ऐसा ऐसा किया, फिर मैंने देखा कि मेरे ही में तो गलती नहीं लिखी गई, तो मूल कॉपी जो मैंने अपने हाथ से लिखी थी उसमें सही था बिल्कुल, और साफ साफ भी दिख रहा था, है ना। तो एकदम जैन दर्शन नहीं पढ़ा हुआ कंपोजिटर होता तो शायद वो गलती नहीं होती, समझदार होता है ना, वो थोड़ा सुधार भी लेता है ना समय समय पर, तो वो ऐसा उसमें कर देते हैं। ऐसा लिपिकार से हो गया होगा, अब वो परंपरा आगे बढ़ गई, तो हम क्या करें, हमारे सामने दोनों मौजूद थी तो हमने दोनों लिख दी। तो फिर शिष्य कहता है कि तो भी आपको क्या लगता है इन दोनों में सही कौन होगी, इन त्रिगुणी सही होगी कि सातगुणी। तो उन्होंने कहा भाई हमें क्या लगने से क्या होता है, ये तो केवल ज्ञान गम्य बात है, हम थोड़ी यहाँ से अंदाज लगा दें। कुछ ऐसा ऐसा प्रकरण है कि मनुष्य स्त्रियों की संख्या कितनी है और सिद्धों से ऐसा कुछ है, सत्यगुणा सप्तगुणा वा ऐसा कोई प्रकरण आता है, तो अभी ये तो बिल्कुल हम अंदाज नहीं लगा सकते, अनुमान से काम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा तो भी, तो आचार्य जवाब देते हैं कि ये फला आचार्य सही होंगे ऐसा हुआ ना अर्थ, और फला गलत, किसी आचार्य के बारे में ऐसा कहने के लिए हमारी जवान नहीं उपड़ती है, हमको माने जवान से ये शब्द नहीं निकल सकते हैं, हम किसी भी दृष्टि से किसी को वो कहें ये हमारी हिम्मत नहीं है। तो ऐसी मर्यादा हमें सबको रखनी चाहिए जो सच्चे जनमानी भगत हैं, क्योंकि कल उसके प्रति एक दफे आस्था खंडित हो गई, समझ गए ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, समझ लो हमें सर्वज्ञता ही खत्म हो गई, सर्वज्ञ से हमें कोई चीज उपलब्ध हुई है इस बात का आधार क्या रहेगा। और हमारे सामने बहुत बड़ा धर्म संकट है कि बीच बीच में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक युग ऐसा रहा कि जब अपने स्वार्थ के कारण बहुत सी बातें जनमानी में ऐसी लिख दी गई, और उन लोगों ने अपने नाम भी ऐसे रख लिए, कुंद कुंदाचारी, भजनसेनाचारी, हैं, भट्टारक परंपरा थे, भट्टारक लोग थे, और उन्होंने सात सात पालकी में चलते थे, सात सात आदमी, आठ आठ आदमी उनकी पालकियां ढोते थे, चक्रवर्ती सम्राट जैसा रहना सहन हो गया था, और अपने को आचारी कहलाते थे, और लोग हमको मुनि मानने में मेन मेख नहीं करें, इसके लिए ऐसी कहानियां बहुत बहुत जड़ दी,
कि जरा सी भी मुनि निंदा की तो बस धर्म 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 धर्म। लेकिन वो वास्तव में मुनि निंदा थोड़ी है, वो तो मुनि के नाम पे कोई बहुरूपी आ गया, उसको यदि किसी ने कुछ कहा तो मुनि निंदा है क्या? लेकिन हम साधु हैं और हमारी निंदा ही मुनि निंदा है, और मुनि निंदा का जो कहीं जनागम में कहीं लिखा होगा ना, उन पे ऐसी बढ़िया बढ़िया कहानियाँ गढ़ कर और उन्होंने बना दी, हजारों कहानियाँ ऐसी लिखी गई इस भट्टारक काल में, मतलब आज से 500-600 वर्ष पहले से लेकर के और 100-200 वर्ष पहले तक 300-400 वर्ष में यही धंधा हुआ। ये तो महाभाग्य था कि जयपुर में कुछ पंडित ऐसे हुए कि जिन्होंने इस धर्म को बचा लिया आगरा और जयपुर में। कैसे, किसी ने लिखा है कि अध्यात्मी आगरा से पंडित सांगा नीर। जयपुर तो जब था ही नहीं, आगरा में अध्यात्मी लोग और जयपुर में सांगानेर में पंडित लोग पैदा हुए, क्योंकि दो नगर थे, एक आमेर और एक सांगानेर। तो सांगानेर के जो विद्वान थे वो बहुत प्रसिद्ध थे, वे जिनमें मालूम गोदिका जी के पूर्वज थे, उनका नाम क्या था जी, उनने सम्यक कौंदी किताब लिखी है ना, जोधराज गोदिका, और उनके पुत्र का भाई था एक, उसका भी नाम था, भी अच्छे विद्वान थे और अध्यात्म के बहुत अच्छे जानकार थे। और बनारसी दास ने जो आगरा में अध्यात्म की चर्चा आरंभ की थी तो वहाँ से संबंधित लोग थे। ये ऐसा लिखा है, एक ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब उनके विरोधी भट्टारकों ने लिखे हैं, जो असल भट्टारकों के आश्रय में जो पंडित रहते थे उनने लिखे हैं। उन्होंने लिखा है, व्यापारी व्यापार को करन आगरा जात। आगरा उस वक्त व्यापार का भी बहुत बड़ा केंद्र था, क्योंकि राजधानी थी ना, ये दिल्ली तो बाद में गई है, पहले तो आगरा के पास में सीकरी थी, जो बनारसी दास वगैरह ने लिखा ना, संतन कहा सीकरी सो काम रे, माने जो कवि लोग थे वे राज दरबार में जाते थे और राजाओं की प्रशंसा में बहुत गीत लिखते थे और लाखों का इनाम पाते थे। लेकिन जो तुलसीदास जैसे संत कवि थे, बनारसी दास जैसे लोग थे, तो उन्होंने ये लिखा कि संतन कहा सीकरी सो काम रे, कि संतों का सीकरी से क्या लेना देना। अब आप नहीं अर्थ समझ सकते इसका, क्योंकि सीकरी क्या चीज है, वो समझने कोई गुड़ की बनती होगी मिठाई। सीकरी उस वक्त राजधानी थी सारे हिंदुस्तान की। अभी सुना किसी ने, पहली दफे सुन रहे हो, आगरा से जयपुर को आते हैं ना, तो वहां पर करीब 10-20 किलोमीटर चलने के बाद में वो सीकरी जगह है, वहाँ अभी भी किले मेले बने हैं और देखने के लिए लोग जाते हैं। वो भारत की राजधानी थी, उसकी वजह से आगरा प्रसिद्ध था। फिर उस सीकरी से आगरा में आई और ताजमहल वगैरह बने, ये सब बने ना, किला बने, और फिर बाद में दिल्ली का लाल किला बना और ये लोग दिल्ली गए, मुगल लोग। तो तब तो दिल्ली थी नहीं ना, जयपुर भी नहीं था, यहाँ सांगानेर था, वहाँ आमेर था, वहाँ सीकरी थी। तो कहते संतों का सीकरी से क्या लेना देना, माने हम राज दरबारी कवि नहीं हैं, हम तो तत्व की चर्चा करने वाले कवि हैं। तो वो कहते क्या छंद बोला था मैंने, व्यापारी व्यापार को करन आगरा जात और बने आवे अध्यात्मी लख नूतन आचार, और वहाँ से जाके अध्यात्मी बन के आ जाते हैं। व्यापारी जाते थे वहाँ तो सब धर्मात्मा होते थे, मंदिर में जाते थे तो वहाँ मंदिर में आपने देखा हो ना, एक ताजगंज है,
ताजगंज में भी मंदिर है ना, तो बनारसी दास जी ताजगंज के मंदिर में कभी प्रवचन करते थे, रहते थे, करते थे। मोती कटरा इनके नाम उल्लेख आते हैं। तो वहाँ पर जो साथ सभाएँ गोष्ठियाँ होती थीं तो उनमें वो दर्शन करने जाते थे तो प्रवचन सुनने लगते थे, और जब बनारसी दास वगैरह के संपर्क में आते थे तो उन्हें भी अध्यात्म का रंग लग जाता था। तो ऐसे कई कई जगह के लोग अध्यात्मी बन जाते थे, जिसमें सांगानेर के लोग प्रमुख थे, और सांगानेर और आगरा के बीच में दो चार गांव हैं, कामा में नाम भूल गया हूँ, और दो चार गांव हैं कि उन गांवों में भी वो तत्व चर्चा आई थी। पर यहाँ पहले से विद्वान लोग तो थे ही सांगानेर में, तो ने कहा कभी आगरा में अध्यात्मी और सांगानेर में पंडित। इन लोगों ने जो दक्षिण भारत में भट्टारक की परंपरा थी और जो उत्तर भारत में भी पैर जमा रही थी, जयपुर में भी भट्टारक थे, नागौर के भट्टारक थे, इधर में चंदेरी में सोनागिरी में भी भट्टारकों की गद्दियाँ बन गई थी, तो इन्होंने उनके विरुद्ध जो आध्यात्मिक क्रांति खड़ी की, जिसमें जन्म हुआ बनारसी दास से और टोडरमल तक आते आते टोडरमल जी के प्रभाव से, उनकी कार्य करने की पद्धति से और विद्वत्ता से वो सारे देश में फैल गई, और उत्तर भारत से तो भट्टारकों के पैर उखड़ गए। सांगानेर की घटना ये है कि एक नरेंद्र कीर्ति भट्टारक थे आमेर के, उनने सांगानेर में चौमासा किया था, तो वहाँ वे जोधराज गोदिका और उनके लड़के, उनकी बेई मुखिया थे सारी समाज के, मंदिरों में कब्जा उनका था, सारे धार्मिक अनुष्ठान होते थे, प्रवचन होते थे, तो ये लोग भी उन प्रवचनों में जाते थे और ये अध्यात्म का अध्ययन करते थे और बनारसी दास के उसके प्रभाव में थे। जोधराज गोदिका ने सम्यक कौमदी लिखी है और उनके लड़के का नाम था अमरचंद गोदिका, और वो अमरा भोंसा ऐसा भट्टारक ने अपमान के तरीके से उनको अमरचंद जी को अमरा, पहले ऐसे ही बोलते थे ना गांव में, और भोंसा माने वो भैंसा उनका गोत्र था, भैंसा फिर बड़जात्या और गोदिका, ये तीनों एक ही गोत्र हैं दादा, तो उनको वो अमरा भोंसा ऐसा बोलते थे कि अमरा भोंसा ने ये किया, अमरा भोंसा ने ये किया। तो वो बार बार प्रश्न करते थे नरेंद्र कीर्ति भट्टारक की सभा में, बाकी लोग तो आंख मीच के सुनते रहते थे जो भी बताते थे, ये स्वाध्यायी थे तो ये चर्चा करते थे, प्रश्न करते थे। तो उन्होंने इनको धक्का मार के और वहाँ से मंदिर से निकलवा दिया और इनका मंदिर आना बंद कर दिया। भाग्य से वे थोड़े संपन्न थे, मतलब ऐसे नहीं थे बिल्कुल खाने पीने को नहीं था, तो उनके साथ भी कोई 12-13 आदमी मिल गए, वो मिल करके उन्होंने जो सांगानेर में अभी 2.5 पेड़ी का मंदिर है, 2.5 पेड़ी समझते हैं, जीना सीढ़ी, तो 2.5 माने क्या, 2 और आधा, आधी सीढ़ी क्या होगी, माने उसकी ऊंचाई आधी थी, वो मंदिर बनाया, उन लोगों ने बनाया वो मंदिर, वो वहाँ अपना स्वाध्याय करने लगे। तो उसमें लगा 2.5 पीढ़ी के मंदिर में ये लोग 13 आदमी मिलकर और इन्होंने नया पंथ चलाया, इसलिए इसका नाम पड़ गया 13 पंथ। ऐसा बखत राम साय ने टोडरमल जी के स्वर्गवास के 3 साल बाद एक किताब लिखी, बुद्धि विलास, उसमें लिखा है। वो भट्टारक परंपरा के थे और उसमें इतना क्लियर लिखा है कि देखो, गुरु तेरह पंथन को धर्मी, टोडर मल्ल नाम साहमी, भूपताही मार्यो क्षण माही, और गाड़ो मध्य गंदगी ताही। क्या कि 13 पंथियों का गुरु टोडर मल्ल नाम का साहूकार था,
क्या? गुरु तेरह पंथन को धर्मी, धर्मी माने धर्मात्मा। इतनी तो बात है टोडरमल जी के मामले में कि उनका विरोधी से विरोधी उन्हें उच्च कोटि का विद्वान और धर्मात्मा मानता था और तेरह पंथियों का गुरु मानता था, माने वो एक एक ग्रुप का लीडर था। गुरु तेरह पंथन को धर्मी, धर्मी माने धर्मात्मा, टोडर मल्ल नाम साहिनी, साहिनी माने साहूकार, भूप ताही मार रो क्षण माही। राजा ने उनसे एक क्षण में मरवा दिया। वो हाथी माती की तो कोई बात उल्लेख नहीं है कैसे मरवा दिया, लेकिन एक क्षण में मरवा दिया। और गाड़ो मध्य गंदगी ताही, और गंदगी में गड़वा दिया। अब गंदगी में तो क्या, कूड़े के ढेर पे फेंकवा दिया अथवा उनकी लाश को, अथवा जहाँ गंदगी पड़ी रहती है वहाँ उसे गड्ढा खोद के गड़वा दिया, क्या किया वे जाने। लेकिन इतना लिखा है गाड़ो मध्य गंदगी ताई, इससे ज़्यादा कोई उल्लेख नहीं मिलते हैं कि उन्हें कैसे मरवाया गया। बाकी सब वे किंवदंतियाँ हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने बहुत बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया। उस वक्त भट्टारकों के सामने खड़े होना उतना ही बड़ा दुस्साहस था कि जितना अंग्रेजों के सामने और हमारे आंदोलनकारियों के लिए हुआ। ये गोली के उड़वा देते थे, मार डालते थे, हुआ ना जैसे भगत सिंह के साथ हुआ, इन लोगों के साथ हुआ। इतना ही बड़ा ऐसा काम था, इतने ताकतवर लोग थे वो, और उन्होंने सारे उत्तर भारत से उनके पैर उखाड़ दिए। तीर्थंकर हुए उत्तर भारत में, सबका जन्म अयोध्या में होता है ना। इस वृंदाव सर्पणी में एक आध दो का अलग हो गया, लेकिन रहा तो उत्तर भारत में ही। फिर भाग्य से, दुर्भाग्य सौभाग्य जो भी कहना हो, सब आचार्य हुए हमारे दक्षिण भारत। ऐसा क्यों हुआ उत्तर भारत से पैर उखड़ गए तीर्थंकरों के थे तो भी? क्योंकि जब वो उज्जैनी में काल पड़ा था ना, और भद्रबाहु अंतिम सुत केवली वो अपनी धर्म की रक्षा के लिए और दक्षिण भारत चले गए थे, तो यहाँ से वे चले ही गए, गुरु लोग चले गए, तो वे विद्वान होते थे वही चलाते थे, और वो श्वेतांबर बने बाद में, वो यहाँ रह गए। तो वो अपना दिगंबर धर्म तो दक्षिण भारत में ही रहा ना सुरक्षित, इसलिए भद्रबाहु के बाद, अंतिम श्रुत केवली के बाद, कुंद जैसे सब संबंध भद्र जैसे आचार्य हुए, ये सब दक्षिण भारत में हुए। तो उत्तर भारत के तीर्थंकरों के धर्म को दक्षिण भारत के आचार्यों ने सुरक्षित रखा और आगे बढ़ाया, और फिर वो दक्षिण भारत में जहाँ वो मतलब आचार्य हुए वहीं धीरे धीरे भ्रष्टता बढ़ती है ना, तो भ्रष्टता बढ़ते बढ़ते शंकराचार्य के जमाने में बहुत बड़ा संकट आया, क्योंकि शंकराचार्य बहुत बुरी तरह जैन धर्म को उन्होंने नष्ट किया, शास्त्रों को, जीव को। और उनने चारों हिंदुस्तान में के चार कोनों में चार मठ बनाए शंकराचार्य ने, और इस तरह उन्होंने, जैसे राजधानी बहुत बड़ी हो जाती है ना, इतनी दूर से राज्य कैसे करें, तो अपने शिष्यों को वहाँ बैठाया और वहाँ से सारे देश पर आक्रमण किए। मैंने तो उन्होंने कहा कि इनसे यदि संघर्ष लेना है तो इसी विधि से लिया जा सकता है। तो उनकी नकल पर भट्टारकों ने मठ बनाए उनसे टक्कर लेने के लिए, और उन मठों में, उनके मठ थे ना, तो उनसे एक बड़ा उपकार तो ये हुआ जैन धर्म का, भट्टारकों से का सबसे बड़ा कर्जा यदि हमारी जैन समाज पर है, और जिसकी वजह से हमें उनको कुछ थोड़े कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने उन मठों में वो हमारी जिनवाणी को सुरक्षित रखा, नहीं तो बेलोग तो जला रहे थे।
इतने ताड़ पत्र थे दक्षिण भारत में शास्त्रों के, तो रोजाना रसोई में रोट वो जलाते थे लकड़ी, ऐसे बरसों तक उन लोगों ने उन शास्त्रों से लकड़ियां जलाई, रोटी बनाई, इतने जल गए। और मंदिर बनवाए ना हिंदुओं ने, जैनियों के मंदिर छीन छीन के, तो उन पर दीवारों पर ऐसे चित्र खुदवाए कि जिनमें दिगंबर मुनियों को घानी में पेला जा रहा है। वो तेल निकालते थे ना, तो घानी समझते ना, तेल तिल्ली को तेल निकालना, मूंगफली का तेल निकालना, तो उस घानी में ही उनको डाल दिया सिर के बल, और वो चली और उसमें पिस गए। ऐसे चित्र उनने अपने मंदिरों में लगवाए दिलीप भाई, कि ये लोगों को इतिहास रहना चाहिए, ये देख देख करके कोई जैन धर्म स्वीकार नहीं करे और जैन साधु नहीं बने। आप क्या संकट है आपके सामने, कैसे कैसे संकट हमारे आचार्यों ने उनने झेले हैं। उस उन परिस्थितियों में से फिर वो उन्होंने संगठित होकर के सुरक्षा के लिए मठ बनाए और भी शास्त्रों को उन मठों में सुरक्षित रखा। आज भी ताड़ पत्रों पर वहीं सुरक्षित हैं। तो ये बहुत बड़ा उपकार भट्टारकों के माध्यम से अपने समाज पर हुआ, जो समयसार हमें आज उनकी कृपा से मिला। सबसे पहले एक भट्टारक ने छपाया था, जी कारंजा के भट्टारकों ने छपाया था समयसार। सबसे पहले गुरुदेव ने जो पढ़ा ना, वो कारंजा के भट्टारक के हाथ का छपा हुआ समयसार पढ़ा है। तो उनका उपकार कम नहीं है, लेकिन उनके उपकार होने से जो उन्होंने करतूत की, उसकी भी तो उपेक्षा नहीं की जा सकती है ना, इसलिए वो तो नहीं चलने दिया जा सकता है ना है? तो इन्होंने टोडरमल जी ने और इन्होंने ये क्रांति करके फिर उत्तर भारत में धर्म आ गया। और उन कुंदकुंद आचार्य जैसे को लोगों की ये शास्त्रों की सुरक्षा पठन पाठन बना यहाँ के पंडितों ने किया। बनारस हिंदुओं के पंडितों के लिए प्रसिद्ध है, और जयपुर सांगानेर ये जैनियों के लिए सुरक्षित है, इसे जैनियों की काशी कहा जाता था। तो उनमें उनने ऐसी कहानियां लिख दी, समझे ना, कि इनके विरुद्ध एक शब्द नहीं निकालो, निकालो तो नरक में कूद गए सीधे, अपना अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए। अब हमारा संकट क्या है कि वो संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे, वहाँ उन मठों में विद्यालय चलते थे पठन पाठन का, तो संस्कृत वगैरह पढ़ाई जाती थी, तो वे पढ़ करके अच्छे विद्वान बनते थे जो लोग थे, तो उन्होंने बिल्कुल संस्कृत भाषा में प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिख दिए। अब हमें गाथाएं बोलो और संस्कृत के श्लोक बोलो, तो हमें तो शास्त्र ही जैसे लगते हैं ना। तो हमारा संकट क्या बढ़ गया कि वो मिक्सचर भी है, अब उस मिक्सचर को हमें निकालना भी है, माने हमें सही शास्त्रों का अध्ययन करना है, समझ गया ना। और यदि हम उसकी वजह से जिनवाणी को अप्रमाण घोषित करने लग जाएं, तो वो सारी जिनवाणी अप्रमाणित हो जाएगी, तो हमारी मूल चीज भी अश्रद्धा का विषय बन जाएगी। अब इसके बीच में हम क्या करें, संकट समझ में आया दिलीप भाई?